नमस्ते साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप तक संविदा आउटसोर्स ठेका अतिथि शिक्षक या दैनिक वेतनभोगी नियमित कर्मचारी किसी भी वर्ग के नियमित या कर्मचारी होते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट रहती है वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। साथियों, वही एक जानकारी आपको लेकर आए हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी एक ऐसा विभाग जिसके लिए जो सरकार के लिए काम तो करता है लेकिन सरकार उसकी किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं देती है, और अंततः यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो सरकार के द्वारा सीधे और अधिकारियों के द्वारा सीधे हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। तमाम प्रकार की जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को इतना शेयर कीजिए जिससे कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों भाइयों तक ये जानकारी पहुँच सके और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया सके। तो क्या है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पूरा वीडियो। बताएंगे आपको कि जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं ये जानकारी आउटसोर्स कर्मचारी बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए, और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने किस प्रकार से बगावत या आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया है। आंदोलन करना एक निश्चित है और सही भी है, क्योंकि सरकार के लिए जो आउटसोर्स कर्मचारी या जो भी कर्मचारी रहते हैं वह अपनी मांगों को रखते हैं, और मांगों को नहीं मानने पर जब वो किसी प्रकार की बात से उदास होते हैं तो उनको आउटसोर्स या किसी भी वर्ग के कर्मचारियों को हड़ताल करना या स्ट्राइक देना ही उनके लिए सर्वप्रथम माना जाता है। बताएंगे आपको, मध्य प्रदेश में रोजाना आउटसोर्स कर्मचारियों की बलि ले रहा है वह अमानवीय विद्युत तंत्र। कर्मचारियों में लिखा है कि रोजाना आउटसोर्स कर्मचारियों की बलि ले रहा है अमानवीय विद्युत तंत्र, कर्मचारियों में बढ़ रहा आक्रोश। तो इससे मैं आपको बता दूं कि रोजाना आए दिन आपने देखा होगा कि आउटसोर्स कर्मचारी सब स्टेशन ऑपरेटर हो या लाइन असिस्टेंट एलए हो या अन्य कोई भी कर्मचारी हो जो बिजली विभाग का कर्मचारी काम करता है लेकिन उसको सरकार के माध्यम से या बिजली विभाग या कंपनी के माध्यम से किसी प्रकार की सुरक्षा किट नहीं दी जाती है। सुरक्षा किट जैसे कि कहे तो प्लास टेस्टर, हथौड़ी, ग्लव्स, रेनकोट या फिर सीढ़ी, या फिर कहा जाए उसके लिए एक ऐसा सामग्री जिससे कि वह काम करते वक्त अपनी सुरक्षा कर सके, जो भी उपकरण नहीं दिए जाते हैं। वहीं अधिकारियों का भी कहना रहता है कि कंपनी और ठेकेदार के मध्य जो अनुबंध होता है उसमें सीधा सीधा लिखा होता है कि ठेकेदार की पूरी जवाबदारी होगी, तो इसलिए कंपनी का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बताएं आपको कि किस प्रकार मध्य प्रदेश बिजली तंत्र इस समय भगवान भरोसे चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ये सही कहा है, क्योंकि भगवान भरोसे ही चल रहा है, क्योंकि 90% से अधिक यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, और बिजली तंत्र में कर्मचारियों को तीन भागों में बांट दिया गया। अब वो तीन भाग कौन कौन से हैं आपको बताएंगे, और निचले पायदान पर रखकर आउटसोर्स कर्मचारियों को अमानवीय तरीके से शोषण किया जा रहा है। चलिए हम आपको तीन पायदान बताते हैं। तीन पायदान, सर्वप्रथम एक नियमित कर्मचारी आ जाता है, नियमित कर्मचारी। दूसरा आ जाता है आपका वही संविदा कर्मचारी। तीसरा आ जाता है आउटसोर्स कर्मचारी। काम तो ये एक ही करते हैं लेकिन उनको समान कार्य पर समान वेतन नहीं दिया जाता है। बिजली आज के समय लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल की गई है, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रहे तंत्र में ना ही कर्मचारियों को कोई सुरक्षात्मक उपाय है और ना ही नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, आउटसोर्स कर्मचारी, देखिए बिजली विभाग में अधिकतर आपने देखा होगा कि हर जगह पे आउटसोर्स कर्मचारी, लगभग 90% आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहा है, वहीं 5% नियमित और 5% संविदा कहा जाए तो। लेकिन फिर भी आउटसोर्स कर्मचारियों को किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया। आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार अपना कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं है, बिजली विभाग अपना कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं है। बिजली विभाग का स्पष्ट कहना है कि सरकार और बिजली विभाग कंपनी और ठेकेदार के मध्य जो अनुबंध होता है उस अनुबंध पर हम आउटसोर्स कर्मचारियों को रखते हैं और आउटसोर्स कर्मचारी हमारे लिए काम करते हैं, विभाग के लिए काम करते हैं। मैं बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारी संघ के सतीश साहू ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि प्रदेश के बिजली विभाग में प्रतिदिन कार्य के दौरान 2 से 4 कर्मचारियों को जान गंवाना पड़ रही है। जी हाँ, आउटसोर्स कर्मचारी बिजली विभाग का यदि लाइन पे काम करता है किसी प्रकार से कोई भी एक्सीडेंटल हो जाता है तो वह अपनी मौत गंवा देता है, लेकिन इसके बाद सरकार के द्वारा कोई भी नीति तैयार नहीं की गई है जिससे कि उसको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए या फिर उसको 20 लाख रुपए का पैकेज दिया जाए जिससे कि उसकी परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। मानते हैं कि परिवार पैसे के द्वारा उस किसी व्यक्ति की जान को नहीं आंका सकता है, लेकिन फिर भी परिवार को चलाने में सहायता करने के लिए वह राशि ठीक है। बता दें आपको कि मृतक, इसमें ज्यादातर मौत
समुचित उपचार न मिलने पर हो रही है, सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है, मृत्यु हो जाती है, मृतक परिवार को ना कोई सहयोग राशि दी जा रही है और ना ही कोई आर्थिक सहायता, ठीक है, ना ही कोई पैसा दिया जाता है। जो पैसा 20 लाख रुपए की निर्धारित आउटसोर्स कर्मचारियों ने मांग की है, वह भी पैसा नहीं दिया जाता है। बताया सतीश साहू ने बताया कि हाल ही में छतरपुर जिले में खजुराहो डिवीजन के अंतर्गत बैरागढ़ वितरण केंद्र में एक ऐसी ही एक दिन में 2 घटनाएं हुई जिसमें विभाग के द्वारा लीपापोती की जा रही है। कार्य के दौरान करंट से झुलसने के आउटसोर्स कर्मचारी जीतू एहरवार का शरीर पूरा जल गया है। आउटसोर्स कर्मचारी के इलाज के लिए कंपनी और ठेकेदार से कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से छतरपुर जिले में 2 व्यक्तियों को एक ही दिन में एक ही समय पर करंट लगा, कंपनी ने सीधे हाथ खड़े कर दिए, अधिकारियों ने सीधे हाथ खड़े कर दिए, बता दिया है कि आउटसोर्स कर्मचारी की गलती है। ठीक है, आपको एक बात और बता देता हूँ, आउटसोर्स कर्मचारी के लिए किसी भी प्रकार से कोई अथॉराइज नहीं होता है कि वह खम्भे पे काम करे, चढ़ के काम करे। यदि वह काम करता है तो स्पष्ट रूप से आउटसोर्स कर्मचारी उस संबंधित अधिकारी के विरुद्ध शिकायत या लिखित FIR दर्ज भी करवा सकता है, क्योंकि दुर्घटना होती है, जान चली जाती है, तो संबंधित आउटसोर्स कर्मचारी के जो करंट लगता है वह संबंधित अधिकारी हाथ खड़े कर देता है। भाई आपको बताएंगे, वहीं एक और घटना में लाइनमैन के द्वारा रखा गया कर्मचारी भी कार्य करते हुए करंट से झुलस गया था, जिसे विभाग ने ना कहकर लिपापोती कर दी, और ऐसी घटना पिछले दिनों में कटनी, बालाघाट व अन्य जिलों से हुई है। कारण में आउटसोर्स कर्मचारियों के संगठनों में शेष व्याप्त हुए। आपको बताएंगे कि आउटसोर्स कर्मचारी या किसी लाइनमैन के माध्यम से रखा गया कर्मचारी को किसी प्रकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। वही रहेगा कि यदि करंट लगता है तो लाइनमैन जवाबदार होगा, यदि आउटसोर्स कर्मचारी कम्मे पर चढ़ता है या किसी प्रकार के सब स्टेशन यार्ड में काम करता है और काम करते वक्त कोई दुर्घटना हो भी जाती है तो अधिकारी और संबंधित विभाग का व्यक्ति लाइनमैन स्पष्ट रूप से हाथ खड़े कर देगा और आपसे स्पष्ट कहेगा कि आपके लिए अथॉराइड ही नहीं किया गया, तो आप खम्भे पर किस लिए चढ़े। वहीं बता दें सरकार की भी इस पर आंख बंद है। मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्ण रूप से अपनी आंख पर काली पट्टी चढ़ा ली है, जिससे कि आउटसोर्स कर्मचारियों को ना ही कोई सुनेगा ना ही देखेगा। और यदि मध्य प्रदेश सरकार ने तो यहां तक कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारी हमारे कर्मचारी नहीं है, जो सीधे ठेकेदार के कर्मचारी, यही अनुबंध में कहा गया है। कंपनी और ठेकेदार के मध्य जो अनुबंध होता है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आउटसोर्स कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी जो काम तो विभाग का करेगा, विभाग के लिए करेगा, लेकिन वह विभाग का व्यक्ति नहीं होगा। तो साथियों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।